अलीगढ़ थाना हरदुआगंज के तालानगरी फैक्ट्री एरिया में खोखानुमा दुकान में 2 लीटर के गैस सिलेंडर में हुआ ब्लास्ट। ब्लास्ट की चिंगारी से निकट खड़े ट्रक में लगी आग। आग की चपेट में आकर खोखा और ट्रक में लड़ा सामान जलकर हुआ खाक। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर पास काबू। शुक्रवार दोपहर तालानगरी स्थित फैक्ट्री एरिया में खोखानुमा चाय की दुकान में रहे 2 लीटर के गैस सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया। खोखा में आग लगने के साथ ब्लास्ट के धमाके में आग की चिंगारी निकट में सेल टैक्स ऑफिस परिसर में परीक्षण के लिए खड़े परचून के सामान से लदे ट्रक पर जा गिरी। देखते ही देखते आग की लपटों ने ट्रक को अपने आगोश में ले लिया। देखते ही देखते सब कुछ आग में जलकर राख हो गया। मौके पर पहुंची 8 दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। नुकसान का आकलन किया जा रहा है। रिपोर्टर जिला अलीगढ़ संवाददाता अंकित कुमार शर्मा की रिपोर्ट। बाइट विनोद मिश्रा दमकल कर्मी। बाइट के शाह असिस्टेंट कमिश्नर सेल टैक्स। देखो पहुंच जाएगा पाइप वहां पहुंच जाएगा। हां हां पहुंच जाएगा। पानी भर दो ऊपर ट्रक ऊपर लगा दो। किस तरीके से आग लगी थी और कितनी देरी से पहुंचकर आपने आग को काबू में कर लिया? आग जो है संभवतः बिजली शॉर्ट सर्किट खोखे से आग शुरू हुई, उसकी चिंगारी से सामने खड़े हुए ट्रक में आग लगी थी। जिसको फायर ब्रिगेड को सूचना मिली तो हम लोग तुरंत मौके पर गाड़ी लेकर आए, फोम टेंडर लेकर आए तो फोम टेंडर से फोम और पानी मिक्स। क्या नाम है आपका? ये यहाँ किस तरीके से आग लग गई थी? ऊपर से जो चिंगारी आई थी उससे। अच्छा, तो यहाँ आपका कोई दुकान या कोई खोखा वोखा का था? खोखा था, वो पूरा जल गया। पूरा जल गया। आपको कोई नुकसान? नुकसान ये लगभग 40,000 रुपये का नुकसान हुआ है आपकी दुकान का, खोखे का जल। अब इस नुकसान की भरपाई करने के लिए आप किससे अपेक्षा रखते हैं? सामने सड़क के उस पार यहाँ पे झोपड़पट्टी में वो सिलेंडर, दो छोटे छोटे सिलेंडर इस्तेमाल करके चाय की दुकान उकान थी, उसमें पहले सिलेंडर में आग लगी, वो ब्लास्ट हुआ, उसकी चिंगारी सीधे इस ट्रक पे आई है ना। यहाँ पे 4 ट्रक खड़े थे, एक ट्रक पे चिंगारी गिरी और चिंगारी हमारे ये कैंपस के अंदर गिरी। वहाँ जनरेटर रखा हुआ है, थोड़ा बहुत सामान पड़ा हुआ था, इन दोनों जगहों पे आग लग गई। फायर ब्रिगेड को हम लोगों ने फ़ोन किया था, तुरंत फायर ब्रिगेड आई है। ये गाड़ी में आग बुझाई जा चुकी है, अभी थोड़ा बहुत है वो बुझा दिया जाएगा। सर ये ट्रक खड़ा हुआ है, इसमें किस तरीके का माल लदा हुआ है? क्या परचून से संबंधित ये ट्रक है, इसको परिवहन जांच के लिए रोका गया था, इसकी जांच कार्रवाई अभी जारी थी, इसी दौरान इसमें आग लगी है। सर प्लास्टिक के गिलास पर बैन है सर, और इसमें सर प्लास्टिक के गिलास भरे सामान रोकने के बाद फिर जांच के दौरान देखा जाता है कि किस तरीके के सामान है, कौन प्रतिबंधित हैं, किनका प्रॉपर इन्वॉइस है कि नहीं है, लेकिन वो अभी जाँच के क्रम में ही चूँकि आग लग गई तो अब देखा जाएगा कि इसमें क्या कार्रवाई हो सकती है।